एक तो इंजन हीट इंजन मैंने आपको दिखाया है जो कि बिल्कुल जैसे मॉडल है हीट इंजन की एक रेजरवाय था उसमें से एनर्जी ली कुछ काम किया बाकी एनर्जी वेस्ट वो एक मॉडल था कोई उससे सिर्फ समझाने के लिए कि एफिशिएंसी कैसे आ, उसे आ, निकाली जाए कैलकुलेट किस तरह करते हैं उससे लेकिन बाकी चीज़ें जो थोड़ी बहुत मैंने आपको बताई गाड़ी की मोटरसाइकिल की तो अब स्पेसिफिकली जो बहुत ज़्यादा यूज़फुल जो इंजन होते हैं ना उसको देखेंगे कि क्या क्या चीज़ कौन कौन से ऐसे इंजन होते हैं जिनकी जिनकी हफादियत है जो कि सारे जो प्रिंसिपल हम जिनकी बात करते हैं उनमें लगाए जा सकें तो वो उस उ, ये प्रैक्टिकल हीट इंजन वाला सेक्शन जो है ना उसमें सारे इंजन को हम कवर करेंगे सबसे मशहूर जो पुराना सबसे बड़ा हालांकि जेम्स वॉर्ड तो बाद में आया उससे पहले पहले न्यूकोमन था सेवनटीन में उसने ये इंजन ईजाद किया था किस तरह वो फ्यूल को जला के उससे एनर्जी लेके किसी तरह मूवमेंट किया जाए मैकेनिकल केमिकल टू हीट टू मैकेनिकल एनर्जी उसको किस तरह कन्वर्जन किया जाए तो वो सेवनटीन ओ फाइव में न्यू कॉमर ने किया था लेकिन जो असली जो जिसका हम अब इस्तेमाल करते हैं वो जेम्स वॉट वाले इंजन है वो सेवनटीन सिक्सटी नाइन में उसने ईजाद किया था तो उसी के प्रिंसिपल को लेके सारी स्टीम्स इंजन जितने भी हैं वो सब हम लोग चलाते हैं आजकल और पुराने जो चलते थे अब तो बहुत ही कम हो गए स्टीम इंजन जो हैं सबसे पुराना जो जो है वो उसको मैं दिखाऊं कि उससे जो जो अपना 1850 के अंदर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आया था उसमें इनका कंट्रीब्यूशन कितना ज़्यादा था जब अगर इतना बड़ा लोकोमोटिव जो ट्रेन चलानी जा चलाई जा सके तो सारी चीज़ें इधर से उधर ले जाना उसमें सारे वॉर एफर्ट उनके और बिजनेस वगैरह और पूरी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुआ था उसके उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है इसका जो प्रैक्टिकल हीट इंजन जो वहाँ पे उस वक्त मौजूद थे अब ये पाकिस्तान के तस्वीर है और ये मीरपुर खास का एक लोकोमोटिव है जहाँ पे अभी तक के स्टीम इंजन जाते हैं सर्विस होते हैं और इस्तेमाल होते हैं छोटी छोटी लाइनें हैं इनकी ये वो बड़ी मीटर लाइन नहीं है छोटी लाइन है इनकी जिसपे ये सारे अभी तक गाड़ियाँ चलती हैं ये सारे स्टीम है इसका मतलब ये कि स्टीम जनरेट होती है स्टीम जेनरेट से पिस्त अभी मैं बताऊँगा ये सारा काम कैसे होता है लेकिन ये बहुत ही पुराना जब मैं बहुत छोटा था तो इसी में मीरपुर खास बैठ के उमरकोट जाता था वहाँ पर हमारे कुछ रिश्तेदार रहते थे वो अभी तक वो गाड़ी अभी तक चल रही है छोटी लाइन वाली तो ये ये अभी तक जिंदा है और ये वही बिल्कुल जेम्स वाट वाला इंजन है कोई उसमें नई चीज़ नहीं है ये एक बहुत पुरानी चाइना में जब सबसे पहले ट्रेन आई थी तो उसकी एक तस्वीर है है बिल्कुल देखें आप उसमें वही सिलेंडर है वही उसका स्मोक स्टैक है वो सारी चीज़ें जो एक स्टीम इंजन के अंदर आनी चाहिए वो इस पुराने इंजन के अंदर बहुत अच्छी तरीके से नजर आ जाती हैं और ये कुछ नई चीज़ें हैं लेकिन सारे स्टीम इंजन इसमें कोई इलेक्ट्रिक इंजन नहीं है ये ऊपर से सिर्फ उन्होंने कवर किया जिससे ब्लू वाला है ना टॉप वाला उन्नीस वाला उसको सिर्फ ऊपर से कवर किया है उन्होंने ताकि वो सिलेंडर ना नजर नजर आ सके उसके अलावा कभी कभी सिलेंडर फट भी जाते थे तो वो एक एक प्रोटेक्शन उन्होंने एक्स्ट्रा दिए वरना बाकी देखें आप सारे सिलेंडर बिल्कुल आसानी से नजर आएंगे और ये नीचे लेफ्ट साइड पे देखें कितना जबरदस्त उसने समा पैदा कर दिया इतने ज्यादा धुआं छोड़ के सारी लकड़ी जलाने से कोयला जलाने से कितना पोल्यूशन आप देखें उसको उसको होता है लेकिन गाड़ी चलती है गाड़ी चलती थी काफी देर तक चलती है जब तक कि डीजल इंजन नहीं आया डीजल के बाद फिर इलेक्ट्रिकल इंजन आ गया वो फिर दूसरी कहानी है जो आगे जाके देखेंगे डीजल का, का काम भी तकरीबन ऐसे ही होता है अब इस स्टीम इंजन का क्या है स्टीम इंजन में फ़र्क क्या है बहुत बड़ा बुनियादी फर्क है एक तो हम कहते हैं इंटरनल कम्बस्शन इंजन जो गाड़ी में अपने इस्तेमाल करते हैं आजकल स्कूटर मोटर वगैरह के अंदर सब वो इंटरनल कम्बस्टन इंजन है स्टीम इंजन जो है वो एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन है एक्सटर्नल कम्बस्टन का इंजन मतलब ये कि जो भी स्टीम है ना वो बाहर कहीं और बनती है और जो एक्शन मैकेनिकल एक्शन होता है वो कहीं और होता है है ना तो ये अब देखें आप कैसे होता है किस अब मैंने पहले भी ये बात बताई थी अगर पानी को लेके उसको बॉयल करें का मतलब लिक्विड से लेके गैस में उसको कन्वर्ट किया उसका वॉल्यूम एक हज़ार गुना ज़्यादा बढ़ जाता है एक हज़ार गुना तो इसका मतलब एक अगर एक बकेट में लेके कर यहाँ पर आया पानी का तो ये सारे जिसने यहाँ पे स्टूडियो में इसमें सब में स्टीम भर सकती है तो इतने बड़े एक्सपेंशन की वजह से अगर वो छोटे से सिलेंडर में करें तो कितना प्रेशर होगा आपको अंदाजा है आप ये देखें ना डीजल लोकोमोटिव की वजन कितना है टन में है ना हजारों टन उसके पीछे ट्रेन लगी हुई है उसमें बरे हुए लोग लेकिन वो उस स्टीम पावर से चला रहे हैं तो स्टीम पावर में कितना बड़ा पावर होगा तो वो सारी वजह ये है कि वो बॉयलर में एक्सपेंड होता है और बहुत ज्यादा प्रेशर के साथ एक्सपेंड होता है और फिर उसको यहाँ पे लाते हैं और फिर ये आगे पीछे वो पिस्टन जो है कभी आए आगे आया तो पीछे से स्टीम आ गई पीछे आया तो आगे से स्टीम आ गई तो वो ऐसे आगे पीछे चलता रहता है लेकिन वो जो बात बुनियादी बात ये है ना कि स्टीम बनी कहीं और बन के वो फिर यहाँ आई इस पिस्टन के अंदर इस पिस्टन में सारा मैकेनिकल एक्शन होगा तो वो हीट कन्वर्जन कहीं और है मैकेनिकल एक्शन कहीं और है तो ये इसको एक्सटर्नल कम्बस्टन इंजन कहा जाता है बाहर से एनर्जी बनी अंदर फिर मैकेनिकल वर्क हुआ इसको आप इसको देखें ये इसका एक कार्टून है कि कैसे वो आगे पीछे चलता जा रहा है स्टीम आ रही है जा रही है स्टीम आ रही है जा रही है वो वो मुख्त मुस्तकिल वो जो है वह उसको रोटेट करती जा रही है अब वो इसी में से लेके आप थोड़ी सी स्टीम निकाल के उसकी सीटी भी बजाते हैं तो ये सारी चीज़ें मिला के लेकिन सारी बुनियादी मकसद इस इस स्लाइड को दिखाने का ये है कि जहाँ हमने स्टीम बनाई वहाँ से ला के पिस्टन में डाली स्टीम इधर पिस्टन इधर डाली स्टीम तो पिस्टन इधर हो गया फिर इधर डाली स्टीम तो पिस्टन इधर हो गया वो पिस्टन आगे पीछे चलता रहा स्टीम जो है वो आगे पीछे चलती रहेगी वो एक बहुत बड़े, बड़े बहुत ही स्पेशल इंजीनियरिंग है ये अगर आप देखें यहाँ पे हमारे पास मोहलपुरा में है लाहौर में और दो चार जगह हैं पाकिस्तान में जहाँ पे आजकल नए स्टीम नए इंजन बने स्टीम इंजन नहीं बनते स्टीम इंजन का काम ज़्यादातर मीरपुर मीरपुर खास में ही होता है तो वो बहुत ही इंजीनियरिंग मार्वल है कि इतनी बड़े पैमाने पर इतने प्रेशर से इंजन चलाना और उसको मेंटेन करना सौ कितने बहुत सारे साल हो गए ना इनको तो ऐसा काम करते हुए तो अभी तक के मेंटेन कर रहे हैं इट्स अ रिमार्केबल थिंग लेकिन जो मेन पॉइंट यही है कि ये एक्सटर्नल कम्बस्शन इंजन है अब अगले मॉड्यूल में हम आपको समझाएंगे इंटरनल कम्बस्शन क्या होते हैं जो आपकी गाड़ी है जो आपका स्कूटर है